हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंता व्यक्त की। आपको याद होगा कि विश्व के आर्थिक मंच पर उन्होंने इस बात को उठाया था पर्यावरण की और जल संरक्षण की, और उसी अभियान को लेकर के अभी उन्होंने अपने मन की बात में भी चिंता प्रकट की। मानव संसाधन विकास मंत्री के नाते मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, हमारे देश का विषय, हमारे जीवन का विषय है, और इसलिए हम लोगों ने जल संरक्षण की दिशा में एक कदम आगे बढ़कर के इसको सुनिश्चित किया है कि हम यदि 26 करोड़ छात्र हैं तो कम से कम 10 करोड़ छात्र पहले चरण में प्रतिदिन 1 लीटर पानी हम बचा सकते हैं। क्योंकि आप एक बाल्टी से नहाते हैं, यदि दिन भर की सुबह से शाम तक की गतिविधियों को देखें तो आप 2-3 बाल्टी खर्च कर रहे हैं, उन 2-3 बाल्टी खर्च करने में 40-50 लीटर खर्च करने में कम से कम इतना तो हो कि आप 1 लीटर बचा सकें। जिस दिन हम 1 लीटर को बचाएंगे, और पहले चरण में हमने ये तय किया है कि प्रतिदिन हम 10 करोड़ लीटर पानी की बचत करेंगे, और जो बरसात का पानी है वो केवल 8% बरसात के पानी का हम संरक्षण कर रहे हैं, इसको भी हम अपने घरों पर, अपनी संस्थाओं में, अपने मोहल्ले में, अपने घर पर उसका संचय करेंगे। ये एक बहुत बड़े अभियान के रूप में होगा। ये वृक्ष है तो जो वृक्ष की जड़ें जमीन में है वही जल का संरक्षण करते हैं। मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप संकल्प लीजिए कि हम एक अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर रोपित करेंगे, और सुबह जब आप स्कूल जाए उस पौधे को देखिए, जब आप स्कूल से आए उस पौधे को देखिए, आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी के ऊपर बढ़ते 7 साल में उसकी जिंदगी भी बढ़ रही है। हर वर्ष आप एक एक पौधा लगाएंगे, आपको लगेगा मेरा ये पौधा इतना हो गया, दूसरे वर्ष में इतना हो गया, तीसरे वर्ष में इतना हो गया, और हर वर्ष में आप पौधा लगाएंगे।